Get that way. लॉकडाउन में गुलाब तो घर तो बड़े कर दो।
बढ़िया तरीन वीडियो हेलो इधर खड़े करो इधर अंदर का दरवाजा खोलो अंदर जाओ अंदर अंदर अंदर
क्या देख रहे हो तुम लोग यार, चोरी कर रहे हैं बहुत तरीके का। तुम लोग खड़े रहने के लिए हो क्या? चलो हम लोग सर, एक गाड़ी ऐसी पकड़ी है जो उसमें पाड़े कट आस्था से गाड़ी आ रही थी, उस पाड़े भरे हुए हैं। हाँ, उसको हमने थाने भिजवाया है, उसमें भी हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। सर, क्या आपके द्वारा क्या अपील की जा रही है? मेरे यहाँ यही सभी लोगों से कहना है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी लोग अनावश्यक घर से बाहर निकलने का प्रयास न करें। अति आवश्यक सेवाओं के अगर चालू भी रखा है, जिसमें किराना या सब्जी की सेवाएँ हैं, तो उस समय सारे लोग घर से बाहर ना निकलें और दूरी 4 दिन 5 दिन या 7 दिन का सामान अपना एक साथ ले जाएं। बार बार छोटे छोटे कामों के नाम से बाहर निकलना और उन कामों के बहाने से बाहर निकल के अपना काम करने के लिए जाने आना, ये सब ना करें, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। ये अति आवश्यक सेवाएँ सिर्फ उनकी सुविधा के लिए, न कि उनके घूमने फिरने के लिए। तो इसको सभी लोग ध्यान रखेंगे तो हम लोग इस बीमारी के संक्रमण के फैलाव से बच सकते हैं और सभी लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू। कर्फ्यू लगाया गया है, उसको पालन करने के लिए हमने अलग अलग अधिकारियों को डिप्यूट किया है। उन्हीं लोगों की हमने मीटिंग रखी थी और आज जो है आवश्यक निर्देश हमने इनको दिए हैं कि कोरोना कर्फ्यू का पालन करें। सर, जिस तरह से जो इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन, उसको लेके कहने का इसके अलावा में भी परेशानी आ रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं। ये इंजेक्शन कब मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, क्या है? देखिए, हम लोग इसमें लगातार संपर्क में हैं डिपो से, और वो डिपो से हम लोगों को आपूर्ति हो रही है, लेकिन कम कम आपूर्ति हो रही है, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग मरीजों को जो है समय पर उपलब्ध करें। सर, ऐसे ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन के लिए भी हम लोग लगे। ठीक, उसको लेके प्रशासन में कहीं का अलर्ट हो गया। अभी भी आप भी डिरेक्शन में जा रहे हैं, फिर क्या कहेंगे उसको लेकर? जो भी व्यवस्था हमारी लगी हुई है कोरोना कर्फ्यू को लेकर, जो भी शासन से निर्देश हैं, और जिनको भी छूट प्राप्त है वो दुकानें बंद रहेंगी, और जिनको छूट नहीं है वो दुकानों पर कार्रवाई होगी, और जो भी अनावश्यक लोग घूम रहे हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे हम कार्रवाई करेंगे। जैसे सर रमजान चालू हो गए हैं, इसको लेकर क्या व्यवस्था? जो भी नियम है वो सबके लिए समान, अगर दुकानों को छूट प्राप्त है तो खुलेंगे, जिनको नहीं प्राप्त है नहीं खुलेंगे।
सर इसमें सब कुछ दुकानें ऐसी बंद है जो मान के चलो जैसे कि टायर पंचर की दुकान है इनको भी प्रशासन बंद कर रही है। अगर गर्मी के टाइम पे अगर मान गाड़ी पे पंचर वगैरह होती है तो ये दुकानें बंद रहेगी तो बहुत सारी सुविधा वो ये डिसीजन तो ठीक सर।